स्टूडेंट, दिस इज राज नंदिनी। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में कि कैसे हमारा जो प्राइस है इफेक्ट करता है हमारे मार्केटिंग मिक्स को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइस कंसिस्ट टू फैक्टर अफेक्टिंग। पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच आर हैव विथ इन अ कंट्रोल ऑफ द फर्म टू सर्टेन एक्सटेंट सच एज कंपनी ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग मिक्स, कॉस्ट एटसेट्रा। हमने जब मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे तो हमने देखा था उसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। आइए हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में यहाँ बोल रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे फर्म कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिसीज़न, अपने फर्म के डिसीज़न को लेने के लिए, उसको बढ़ाना घटाना, कोई चेंजिंग लाना, ऐसे फैक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। इंटरनल फैक्टर को समझने के लिए हमें इसके कुछ स्ट्रेटजीज़ को देखना पड़ेगा कि आखिर किस किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। यानी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने फर्म को। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट विल फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कि हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही फिक्स करता है, सारे डिसीज़न लेता है हमारे प्रोडक्ट के, हमारे मैनेजमेंट के सारे डिसीज़न। और जो हमारे मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये सिर्फ उनके अंडर काम करते हैं और एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं और जो हमारे टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आया होता है उसे पूरा करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही सारे कंट्रोल देखती है। यानी कि सारे चेंजमेंट करना, किस तरीके से काम करना है, सारे थिंग को। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अंडर द प्राइसिंग द मार्केटिंग मैनेजर स्टडी ऑल अबाउट देयर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, क्वालिटी, ग्रोथ एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्ट यानी कि प्राइस को फिक्स कैसे करें, इसके लिए हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो अपने कॉम्पिटिटर के सारे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसके बारे में कितने कस्टमर को अवेयरनेस है, इन सारी चीज़ों को वो स्टडी करता है। देन मार्केटिंग मैनेजर फिक्स द प्राइस एज अ कम्पिटिटिव प्राइसिंग इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। दैट मीन्स कि जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिटर का देखने के बाद ही वो फिक्स करता है हमारे प्राइस को अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग वो करेगा तभी, मतलब उसके कंट्रोल में रहेगा कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट किस हिसाब से है, मैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का रेट हाई रखूँ या लो रखूँ। यानी पूरा कंट्रोल हमारे फर्म के पास रहता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर वेरियस इन नंबर बट ऑल द स्ट्रेटजीज हैव अ कॉमन फोकस। दैट मीन्स कि हमारे पास तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारी स्ट्रेटजी का फोकस क्या रहता है, सारी स्ट्रेटजीज का फोकस यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। और अट्रैक्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या होता है कि प्राइस को इस तरीके से रखें कि हमारे कस्टमर को वो अफोर्डेबल रेंज में मिल जाए और उन्हें सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देयर आर मेनी प्रोडक्ट इन द मार्केट सो डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ प्रोडक्ट, फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट, सेट ऑफ प्रोडक्ट, सेट ऑफ डिफरेंट प्राइस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट शेप, साइज, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा पार्ले जी बिस्किट, अगर हम 20 रुपए का ख़रीदेंगे तो हमें बड़ा साइज़ मिलेगा और 2 रुपए का ख़रीदेंगे तो वही क्वालिटी, वही चीज़ है, लेकिन वो थोड़े अमाउंट में मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, कहने का बस एक ही मकसद है कि हमारा जो कंपनी है वो प्राइस के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट को कंट्रोल करता रहता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने इस पर एक
पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके सारे स्टेजेस को भी हमने अच्छे से डिफाइन किया है। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर डिवाइडेड इन द फोर स्टेजेस, इंट्रोडक्टिव, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन सेल स्टेज। सो द प्राइस इज सेट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ मार्केट आर नॉट। इसमें हमें ये बताया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ है एक ह्यूमन की तरीके से होती है। जैसे ह्यूमन का एक टाइम में डेथ टाइम आता है, वैसे ही एक प्रोडक्ट का भी एक टाइम में डेडलाइन सेल का टाइम आता है। हमारा प्रोडक्ट जो है डेडलाइन सेल स्टेज में आने से पहले तीन और स्टेजेस में आ चुका होता है। पहला होता है हमारा इंट्रोडक्टिव, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ग्रोथ, यानी कि जब हमारे प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कुछ इंक्रीज होने लगते हैं। और मैच्योरिटी स्टेज, यहाँ पर कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट लेवल पर हो जाते हैं। यहाँ पर मतलब कि उसके प्रॉफिट जो है ना तो इंक्रीज ही हो रहे हैं ना तो डिक्रीज ही हो रहे हैं, एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहे हैं। और लास्टली क्या होता है कि वो डिक्लाइन सेल, यानी कि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की कमी हो जाती है, कुछ नया नहीं आता है उसमें, तो फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये हमारा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट का जो सेल है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए कंपनी अपने आप में कंट्रोल करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती रहे, उसके प्राइस को मॉडिफाई करती रहे, ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं वो कभी दूर ना जाएं, या फिर कह सकते हैं कि किसी दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे फैक्टर को, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर को। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? द एक्सटर्नल फैक्टर आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर ऑफ द फर्म विच आर एनवायरमेंट फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मतलब है इसका कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे एनवायरमेंट को जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पहला है हमारा कंज्यूमर। एनी ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली व्हेन देयर ग्रोथ इज़ फास्ट और इंक्रीजिंग वे। द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से तभी चल पाती है जब उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ रहा हो। और उसका ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? जब उसका जो सेल है वो उसका इंक्रीज होगा, तभी हम मतलब कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, जिससे हमारा कंपनी जो है एक स्मूथली रन करेगा। और लास्टली हो सकता है कि हमारा गुडविल अच्छा बन जाए, ब्रांड बन जाए हमारी कंपनी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कस्टमर जो है उसका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वही अगर बदल जाए तो हम क्या करेंगे? कि यहाँ आगे यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू द डिमांड एंड सप्लाई। यानी ये जो हमारा सेल है वो हमारे डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। सो द कंज्यूमर डिमांड द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द कंज्यूमर गेट सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कि कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। और कंज्यूमर के डिमांड पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे जो चाहिए वो अपना लेगा ही लेगा। हम सिर्फ उसके सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करा सकते हैं कैसे भी कर करके, पर कंट्रोल नहीं दिखा सकते हैं उनकी नीड पर। अब नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। अ मार्केट मैनेजर ऑलवेज एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर, कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट, ट्रेडिंग, फैशन एट्सेट्रा। देन मार्केट मैनेजर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। That means कि जो हमारे competitors हैं, अगर हम अपने product को modify कर रहे हैं अच्छा दिखाने के लिए, consumer की need को fulfill करने के लिए, तो हमारे competitor भी तो यही चीज़ करेंगे और हम अपने competitor को रोक नहीं सकते हैं। So that यहाँ पर भी हमारा control नहीं हो पाएगा। Next है हमारा government control। Government rule and regulation must be important for all the product price फिक्सिंग। यहाँ हमें ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसके रूल और रेगुलेशन भी कुछ हैं जो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने में बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस फिक्स करना है उसके लिए गवर्नमेंट के जो एक लीगल अथॉरिटी होती है उसका परमिशन लेना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी देखे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा चीप नहीं है, ना तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई रेटेड है कि कोई उसे अफोर्ड ना कर सके। यही यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट विल गिव द लीगल अनाउंस्ड ऑल द कंज्यूमर अवेयर अबाउट द प्राइस, नॉट एनी प्रोडक्ट प्राइस ऑफ
इज़ वेरी चीप और हाई इन रेट। फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट ज़रूर करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर मेरी वीडियोस आ जाएंगी तो आपको पता नहीं चलेंगी, इसलिए उसको हिट ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।